कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, अभी हम लोग जनरल केस लेकर के चले थे, पहले उसको देखते हैं। मान लो दो प्लेट को मैंने चार्ज Q1 Q2 दिया था, तो यहाँ भी Q1 Q2 दे देते, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग पता लग गया था। यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा सेम चीज। अंदर में कितना था, यहाँ पर और यहाँ पर इसका अपोजिट था, ये ऑटोमेटिकली आया था, ऐसा नहीं कि लाना पड़ा था, ठीक है। और हमने अगर ये लेकर के चला है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो लेफ्ट साइड का जो प्लेट है उसकी पोलरिटी पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट वाले प्लेट का जो इनर फेस है उसकी पोलरिटी नेगेटिव है। और इससे हमने ये भी बोला था कि 10 देयर विल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द इनर फेस, आउटर फेस पर सेम होगा, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये यूनिफॉर्म होगा। ध्यान देना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म। अब समझो, तो ध्यान देना, बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन जो प्लेट होता है दैट इज एज्यूम टू बी वेरी स्मॉल, है ना, बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर कह सकते हो। तो ये जो पोजी, ये जो प्लेट है, इट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लेन से फॉर अ पॉइंट इन बिटवीन। इस के बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हो तो ये दोनों उसके लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सीट की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझा रही सबको, तो ध्यान देना, इसको मैं इतना हेजी न करके थोड़ा सा एक और इसी का भाई बनाता हूँ, जस्ट रिप्लिका। अब मान लो कि बाहर प्लेट पर कुछ सिग्मा वन है, यहाँ पर भी सिग्मा वन है, चार्ज डेंसिटी विच इज क्यू। अगर एरिया ऑफ द प्लेट इज ए है, ध्यान देना, अगर प्लेट की एरिया ए दी है तो सिग्मा वन का वैल्यू कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A, ठीक है। और अंदर वाले प्लेट की सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा देते हैं, मतलब सिग्मा कितना है, Q1 माइनस Q2 बाई 2A, एंड ऑफ कोर्स माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया ही हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर मैंने मान लिया, अब ध्यान देना, ये सिग्मा वन के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये प्लस सिग्मा वन है, इधर भी प्लस है। तो पहले बताओ सिग्मा वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनर वाले पॉइंट पर कोई बता सकता है। हमने पढ़ा था कि अगर एक फेस चार्ज हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, तो यहां पर इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर होगा, ध्यान देना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल फेस है जिस पर चार्ज सिग्मा दिया हुआ है। अभी अंदर वाले के कारण हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, बाहर वाले के कारण कैलकुलेट करें, और इतना ही इसके बाहर के कारण ये होगा, ध्यान देना, एग्जैक्टली रिवर्स एंड सेम इन द मैग्नीट्यूड। मतलब कह सकते हो इनर पॉइंट पर, मतलब कि पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव जीरो वैल्यू ड्यू टू द चार्ज ऑन द आउटर फेसेस। ये क्लियर है सबको, देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू द चार्जेस ऑन द आउटर फेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। तो ये पहला हमारा कंक्लूजन आया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर, ठीक है। ये तो हमें नहीं निकला, इसका वैल्यू जीरो आ गया, तो इसको हटा दो, कोई फायदा नहीं इसको लिए।
अब आते हैं ड्यू टू इनर, क्या इनर वाले में वैसा ही कुछ होगा, देखते हैं। तो ध्यान देना, इस प्लस सिग्मा के कारण फॉरवर्ड आएगा कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और माइनस सिग्मा के कारण कितना होगा बताओ, वो भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। भाई ये तो सेम डायरेक्शन में आ गया, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं क्या, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। Due to the charge on outer face of ये समझ में आया सबको, एक बार फिर से बताएंगे। हाँ देखो, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले क्लास में बता दिया था कि कैसे ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हाँ ये आप अगर जो नहीं देखे हो तब फिर तो दिक्कत होगा, मैं आज वीडियो अपडेट कर दूंगा प्रीवियस क्लास का, आप देख लोगे अगर जो डाउट हो तो, ठीक है, फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब समझो मैंने बोला क्या कि आउटर फेस पर तो चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगा, तो मैंने यहाँ पर सिग्मा वन ले लिया और यहाँ पर भी सिग्मा वन ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो प्लेट्स होते हैं बड़े होते हैं और इनके कंपेरिजन में जो सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसके कारण ध्यान देना, ये प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड होगा और यहाँ पर प्लस सिग्मा के कारण बैकवर्ड होगा, और मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है क्या, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, तो वही मैंने रेड से लिख दिया क्या, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द आउटर फेस ऑफ द कैपेसिटर। ओके Up to this, it must be clear. Only be due to the charge charge distribution on the inner face. Yes. Yes, sir. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल ओनली बी ड्यू टू द चार्जेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर फेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। और उसके कारण ई नेट कितना होगा, If sigma is the charge distribution
मैं क्या लिखता हूँ, विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान दो, ये तब भी पॉसिबल है जब अर्थ वैलिड ना, ओके अगर अर्थिंग कर दिया जाएगा तो ध्यान दो, इस पर अगर चार्ज क्यू दे ऑटोमेटिक जीरो हो गया और माइनस क्यू ऑटोमेटिक, तो ध्यान देना प्रीवियस केस में क्या होगा कि यहां पर अंदर में तो बाहर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक सिग्मा वन के, इस सिग्मा वन के चलते एक आएगा विच इज सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और एक सिग्मा वन यहाँ है उसके कारण भी इधर आएगा, मतलब कि अल्टीमेटली कितना हो गया सिग्मा वन अपॉन टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी वही चीज आएगा सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक इस सिग्मा वन के कारण और एक इस सिग्मा वन के कारण, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा अवे फ्रॉम इट। ठीक है, कुछ दिमाग काम किया? यहां पर एडिशनल यही होने वाला है, लेकिन अब जब अर्थिंग कर दिए तो क्या हो गया, यहां पर आउटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग लिख दें क्या, इन दिस केस confined only between the plates of capacitor। कुछ समझ में आया? And value will be सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो था पहले, और सिग्मा का वैल्यू कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इज इट क्लियर? और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे फिर से ध्यान दो, ऑफकोर्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है ध्यान देना, तो अब अर्थिंग नहीं किए रहोगे तो इसके इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ओनली डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओनली वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच मान लो सेपरेशन D दिया हुआ है, इनटू D, दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर किसी एक को अर्थिंग कर दो तब एग्जैक्ट पोटेंशियल निकाला जा सकता है, क्यों, डिफरेंस का वन पार्ट जीरो हो गया,
v1 माइनस v2 करोगे तो 2 का पोटेंशियल जीरो हो गया भाई, उसको अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग का वही कंसेप्ट होता है, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था क्या, कि व्हेन अ प्लेट इज और एनी कंडक्टर इज अर्थ इट्स पोटेंशियल गेट्स जीरो, मतलब इस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर माइनस क्यू ऑटोमेटिकली इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म है फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ई इंटू डी डायरेक्टली लगा सकते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता तो क्या करते, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चलते हम लोग इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। As the electric field between the plates of capacitor is uniform, therefore डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस जीरो विच इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कोई डाउट किसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, क्यू का वैल्यू और सिग्मा का वैल्यू हमें पता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, अब हमें आ गया वी का वैल्यू, तो इस चल यहां तक हम एकदम बीच से उठा करके आप कोई भी आप देखोगे बस यहाँ चालू अर्थिंग नहीं, वो अर्थ डायरेक्ट मान के यहाँ से लिखे डायरेक्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इतना ये करके फाइनली आपको यहाँ कैंसिल कर देंगे, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच बैकग्राउंड वाज यू कैन से सॉर्टेड, बच्चे को कहाँ से समझ आएगा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, लेकिन आई बिलीव कि समझ में आ गया है सबको कि नहीं आया किसी को, डिफिकल्टी अंडरस्टैंड और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उससे पहले डाइइलेक्ट्रिक लाने से पहले थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, अर्थिंग क्या हुआ है, सिद्धांत दो हम लोग क्या लिखते हैं एनर्जी, इसको डिफाइन पहले कैसे करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ
वर्क डन इन charging the capacitor plate by ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज लगाते जा रहे हैं और कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू क्यू. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर प्लेट बाय ब्रिंगिंग चार्जेस स्लोली फ्रॉम इनफिनिटी फ्रॉम जीरो टू क्यू. देने वाले हम लोग, ठीक है. तो मान लो कि इस पर हम लोग हर एक टर्न में डीक्यू चार्ज लेकर क्या रहे हैं, इनिशियली डीक्यू लेके आया, फिर से डीक्यू लेके आया, कर करके डीक्यू हमेशा ऐड करते जा रहे हैं चार्ज. तो किसी भी एक आर्बिट्री टाइम टी पर इस पर चार्ज क्यू है. ओके, एट एनी टाइम टी सपोज दिस प्लेट हैज गॉट चार्ज क्यू, कॉरस्पॉन्डिंगली हियर माइनस क्यू विल गेट इंड्यूस्ड ऑटोमेटिकली माइनस अ स्मॉल क्यू. ठीक है, तो पोटेंशियल, तो ये स्टेटमेंट लिखना होगा. Each time ठीक है. अब एट एनी टाइम की and capacitor is further charged by dq, so dw kitna hoga, v into dq, v kitna likhenge batao. सिंपली भी इक्वल टू क्यू बाई टी कह सकते हैं, और क्या टी का वैल्यू भी डालने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ बात समझाई, भी इक्वल टू क्यू अपॉन सी इनटू डी क्यू, इस चलते नेटवर्क डन कितना हो गया, in charging from 0 to q, w is equal to integration of dw karoge kitna aayega batao, 1 upon c bahar aayega. dhyan dena
ये आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। क्या ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। अब इफ क्यू इक्वल टू सी भी है देन डब्ल्यू आ जाएगा, बस एक बार सी को रिप्लेस करो, एक बार वी को रिप्लेस करो, तो आपका आप सी भी इक्वल टू ये सारे वर्क है। हम बोलते क्या, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, एज दी पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्टिक कैपेसिटर प्लेट, कुछ बात समझ आया नहीं आया, तो यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर सीबीएसई के एग्जाम में आपको पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछा जाता है, इसको हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो इक्वल टू रो ई लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू समझो, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ध्यान देना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्योंकि ये स्टोर हो रहा है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ठीक है। इस चलते इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, एनर्जी बाय में वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। आपको किस वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि फील्ड जो है इट इज वन फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। डू यू एग्री विथ इट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज कन्फाइंड वनली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हमने अभी पढ़ा था, ध्यान दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वनली इसके स्पेस बीच में ही है, बाहर नहीं है, तो इस चलते इसको हम लोग कर रहे हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिखोगे, हाफ क्यू ही कर दो या क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जो लिखना है लिखो। डिवाइडेड वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी, तो ध्यान देना। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए इंटू डी इंटू सी का वैल्यू क्या होता है, ए बाई डी, ध्यान देना, डी से डी कैंसिल हो गया,
और q by a ये हो गया half so this is ये एनर्जी डेंसिटी सिग्मा एनर्जी का फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया अगर ये वैल्यू पुट कर दो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा तो ये आपको एनर्जी डेंसिटी का सारा फॉर्मूला हो गया और कभी एक क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज द बोला है चार ऑप्शन दिए जिसमें एक ऑप्शन ये भी है ये ऑप्शन सही है ये एनर्जी डेंसिटी हो गई इनटू वॉल्यूम उन्होंने लिखने का तो होता है ना टेढ़ा घी पकाना टेढ़े उंगली से घी निकालना वही काम किया इन्होंने तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा अगले बार हो सकता है वो पूछ दें विच ऑफ फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ऐसे दे देंगे चलेगा वो भी चलेगा मेरी बात समझ आ रही है सबको हाँ यस सर यस सर